फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं हूँ गौरी। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो पहले देखिए मैंने सींग लिए, इसका हम रेसिपी बनाएंगे। तो पहले मैं लंग लंग करके काट देती हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। मैंने के लिए इतना लंग लंग करके हम काट देंगे बराबर साइज, क्योंकि बॉयल करने का इसीलिए हम ऐसा करके एक एक करके पूरा काट देंगे। मैंने पूरा डाट हमने काट लिए, तब एक हम बाउल में लेते क्योंकि धोने का है, इसलिए हम इसमें रख देते। मैंने धो दिया। चलिए अभी गैस की तरफ। मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई बैठा दिया, कढ़ाई में पानी दे दिए। तो पानी में हम क्या देंगे, ये सींगी दे देंगे, क्योंकि बॉयल करने के बाद क्या करने का भी हम आप लोग को दिखाते जाएंगे। कवर करके हम बॉयल करना है, तो ऐसे हम कवर करके 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अभी देख लेते हैं बॉयल हो गया, क्यों कलर से पता चलते जब हो गया। इसमें ज़्यादा बॉयल नहीं करने का, 80% ना तो 75% बॉयल करने का। देखिए गर्म हो गया, तब मैं गैस बंद करूँ। बॉयल तो हो गया, पानी निकल के मैं एक बॉल में ले लिए। अभी चलिए क्या करने का बता रहा हूँ। तो मैंने डाटा ले लिए, तो इसी में मैं क्या करूँगी, एक चाकू लूँगी और इससे बीच में से ऐसा मैं काट दूँगी, ऐसे ऐसे काट देने का। काटने के बाद हमने चम्मच लिया, इसी में धीरे धीरे ऐसे करके निकल देंगे। निकल गया ना, तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे निकल देंगे। देखिए कितना साफ सुथरा मेरा निकल के हो गया। और मैंने साइड में 2 आलू लिए, छोटा छोटा 2 आलू बॉयल करके लिए। तो चलिए गैस की तरफ। मैंने कढ़ाई बैठा दिया, तेल भी दे दिया। तेल में मैं दूंगी थोड़ी सी जीरा, इसमें दूंगी मैं थोड़ी सी करी पत्ता और दूंगी मैं प्याज। मेरा प्याज हो गया गोल्डन कलर, जैसे मैंने फ्राई कर लिए। अब इसी में मैं दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मैं अभी इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और दूंगी मैं धनिया का पाउडर, और इसी में मैं थोड़ी सी पानी ऐड करूंगी, जो मसाला गल ना जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं इसी के साथ साथ दूंगी टमाटर, एक टमाटर ले छोटा सा एकदम बारीक कट के लिए मैंने। अभी मैं इसी में ऐड करूंगी जीरा का पाउडर, मैं लास्ट में दे रही हूँ इसीलिए, क्योंकि घर का ही मेरा भुना हुआ इसलिए मैंने लास्ट में दिया। तो ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मेरा मसाला भून के हो गया, मैं अभी इसी में ऐड करूँगी जो आपको देखा है पहले से। मैंने 2 आलू बॉइल करके लिए, वो आलू हम डाल रहे हैं अभी। ये आलू मैंने सुरसुर कर दिए हाथों से। अभी मैं आलू का साथ साथ ऐड करूंगी जो सिंगी का जब ने जो निकल के रख दिए, वो अभी ऐड करेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं, मैं एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं। जो रोज का जो रेसिपी हम लोग यूज़ करते हैं वही सामान ही हम यूज़ किए। अब आलू पसंद नहीं तो आप दे भी नहीं सकते, मतलब पसंद नहीं तो मत दीजिए आलू। मैं थोड़ा आलू डाल दिए इसमें, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। अभी मैं इसे में ऐड करूँगी पानी, मैं हल्का सा पानी दूँगी, मतलब गिरे भी, ज़्यादा पतला भी नहीं मोटा भी नहीं, वही सबसे मैं पानी दे रहा हूँ। मैंने पानी दे दिया, मैंने पानी तो ज़्यादा नहीं दिया, मेरे हिसाब से दिया। अगर आपको कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैं इसे में ऐड करूँगी नमक, मिक्स कर दूँगी मैं। अभी मैं इसी में ऐड करूंगी गरम मसाला, ये भी मेरा घर का इसलिए मैं लास्ट में दे रही हूँ। अभी ग्रेवी बन के हो गया, देखिए अच्छी तरह से बन गया। मैं जैसे पानी दिया, पानी देने के बाद 2 मिनट जैसे हमने पका लिया। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नया वीडियो का साथ। ओके बाय।